फ्रेंड्स मैं हूं जी और मेरा चैनल जस्ट कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है आज मैं आपकी शो शेयर करूंगी खट्टा मीठा चटपटा बंगाली स्टाइल गंदरा चटनी जी हाँ इस इसका फ्लेवर एक अलग ही है और इसका जेली लाई के जो टेक्सचर है ना इसमें बहुत ही टेस्टी होता है और घर में जो सामान है उसमें आपको ये चटनी बन जाएगा बहुत ही टेस्टी है तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी किचन में बना लेते हैं देखिए मैंने इधर ले लिया है पांच बड़ा बड़ा टमाटर और खजूर लिया है और किशमिश भी लिया है ये देखिए तो आ, पहले ये सारे सामान को छोटा छोटा पीसेस में आ, कटना होगा आ, पहले टमाटर का काट लेता है चलिए ये देखिए मैंने टमाटर भी कट लिया है इधर छोटा छोटा पीसेस करके और खजूर को भी आ, काट लिया है खजूर मैंने सौ ग्राम लिया है और पचास ग्राम लिया है किशमिश और थोड़ा सा काजू काजू ऑप्शनल है आ, अभी मैंने कढ़ाई में एक आ, थोड़ा सा सरसों का तेल दिया है और थोड़ा सा सरसों सरसों चटकने तक वेट कीजिए फिर डालिए थोड़ा सा हल्दी हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है अभी इसमें जाएगा कटा हुआ टमाटर टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आ, मिठास को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आ, नमक डालिएगा बिल्कुल थोड़ा सा अभी मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम लगभग दो तीन मिनट तक कुक करेंगे धीमी आँच में तो चलिए कवर कर लेते हैं ये देखिए दो तीन मिनट हो गया है और टमाटर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है गल गया है क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ही मीठा डालना है नहीं तो सख्त हो जाता है टमाटर और टेस्ट अच्छा नहीं होता है एक कच्चापन रह जाता है अभी इसमें जाएगा सुगर मैंने इधर लगभग डेढ़ सौ ग्राम शुगर लिया है क्योंकि खजूर किशमिश ये सारे चीज़ मी, मीठा है ना तो डेढ़ सौ ग्राम काफ़ी है तो शुगर गलने तक वेट कीजिए ये देखिए इधर मैंने ले लिया है एक गंदराज नींबू से थोड़ा सा छिलका निकल के इसको आ, घिस लिया है और थोड़ा सा ले लिया है नींबू क्योंकि देना पड़ेगा गया है देखिए बस जेली लाइक स्ट्रक्चर आ गया है अभी इसमें जाएगा ये सारे ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश एंड खजूर इसको हल्का सा मिला लेना अभी इसमें जाएगा गंधराज का जो छिलका ग्रेट करके रखा था उसी को इसका डालने की बात इतना अच्छा खुशबू आता है ना कि आपको क्या बताओ अब बहुत ही अच्छा खुशबू आते हैं और इसका ये जो जेली लाइक टेक्सचर है इसमें खाने के बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा आप अभी, अभी गैस को बंद कर देंगे आप भी इसमें ऐड करेंगे नींबू का एक टेबल स्पून जूस और हल्का सा मिक्स कर देंगे फिर मैं इसको सर्व करूँगी तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बंगाली लोग हर ओकेशन में ऐसा चटनी ज़रूर बनाता है और एक बार बनाने बना के दिखिएगा कितना स्वादिष्ट होता है तो दोस्तों अगर आज का ये रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा बहुत ही जल्दी मिलूँगी दूसरी कोई वीडियो पे तब तक के लिए बाय